सबसे पहले तो मैं विष्णु जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, और उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने इस जो इतना अच्छा जो NGO चला रहे हैं और पेड़ पौधों के प्रति इतना जागरूक हैं, उस प्रोजेक्ट से मुझे उन्होंने जोड़ा। तो ये मेरा सौभाग्य है और उनका बड़प्पन है कि मुझे इस काबिल समझा, और काफ़ी दिनों से मुझे वो इसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो मैं जैसे भी पॉसिबल हुआ टाइम निकाल के जितना हूँ और इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ूँ। दूसरी बात, पेड़ पौधों से लेके और पशु पक्षी इस तरह के जो भी सोशल वर्क्स होते हैं, इनसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से प्राउड फील करता हूँ कि मुझे कोई ऐसे कामों में साथ रखे और साथ लेके चले। मैं एज एन एक्टर हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कोई बिजनेस में हार्ड वर्क करता है, कोई सर्विस में हार्ड वर्क करता है, जैसे अभी विष्णु जी अपने जो सोशल वर्क में, उसमें भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं, किसको कितना आगे बढ़ना है और किसको कितना अचीवमेंट मिलता है लाइफ में, वो तो एक दूसरे का आशीर्वाद है या दुआएं हैं। जो साथ के लोग हैं और परिवार है, फैमिली है, समाज है, सोसाइटी है, उसके आशीर्वाद से ही आगे आदमी आगे बढ़ता है। अभी 10 दिन पहले मैं जब बॉम्बे से आया, तो सबसे पहले मैंने गांव जाना ही पसंद किया, और गांव के बिल्कुल जो बनास नदी है वो मेरे गांव, उसी नदी के किनारे मेरा गांव है, तो वही प्रकृति है कि 4-5 दिन लगातार बहुत अच्छी बारिश शुरू हो, नदी में पानी आया, उसमें हम लोग खूब नहाए। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाए, वहाँ काफ़ी इन्जॉय किया। तो वही जो नेचर है वो मुझे मुझे हमेशा आकर्षित करता है और मुझे पसंद है, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें चुनता हूँ पहले लाइफ में। डेफिनेटली मैं दिल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, और मैं हमेशा ये प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था में आएँ और इस शुभ काम में अपना हाथ बटाएँ। मेरी ये दुआएं रहेगी और ये मेरी कोशिश भी रहेगी हमेशा, अपने साथियों से, अपने परिजनों से, अपने गांव से, अपने दोस्तों से, सबसे ये मैं चाहूँगा कि सब लोग इस शुभ काम में अपना हाथ बटाएं।